नमस्कार दोस्तों, हार्वेस्टिंग क्रिएशन में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं नागालैंड के एक खूबसूरत सा जगह में घूमने के लिए गई थी। तो वहाँ का सीनरी जो है आप लोग देख सकते हैं, वहाँ का जो बेम्बो हाउस है और साइड ट्रिप जो हाउस है और बीचों बीचों हरा भरा मतलब पेड़ पौधे, तो वहाँ का जो सीनरी है वो बहुत साफ़ सुथरा है और बहुत क्लीन है और बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा लगता है समर के टाइम में इस तरह का जगह से घूमने के जाने के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, लेटेस्ट को कलेक्शन करके लाने के बाद इस तरह से प्रोसेसिंग के लिए रेडी किया जा रहा है। तो आप लोग वो देख सकते हैं जो एक ट्रे में मतलब 4 लीटर करके रखना चाहिए लेटेस्ट को, तो वो लेटेस्ट जो है मतलब नेक्स्ट डे को वो जम जाएगा। जम जाने के बाद आप लोगों को दिखाई दे रहा है और रूलर मशीन, जो वो रूलर मशीन से उस जो जम जाएगा जो लेटेस्ट, उस लेटेस्ट को प्रोसेसिंग करना होता है। तो प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करना पड़ता है कि शेडो में थोड़ा बहुत छाँव हो इस तरह से जगह में, मतलब वो क्या करता है आपको जो आप प्रोसेसिंग करते हैं जो लेटेस्ट को, उसको मतलब आप लोगों को इस तरह से हैंगिंग करके रखना चाहिए। सीट को मतलब हैंगिंग करके रखना चाहिए। सीट को आप लोग हैंगिंग करने के रखने के बाद सीट से जब उसका पानी सारा ख़त्म हो जाता है, तो आपको उसको स्मोकिंग हाउस में आपको उसको अंडा डालना पड़ता है। तो स्मोकिंग हाउस में अंडा डालने के बाद आप लोगों को स्मोक देना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, ये 50 ml एसिड को आपको 5 लीटर पानी के साथ मिक्सअप करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से 200 ml को आपको एक ट्रे में डालना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग तो फिलहाल मेरा बहुत से वीडियो में आप लोगों को टैपिंग किया हुआ वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और टैपिंग किस तरह से करते हैं, कैसा करना चाहिए, कितना टाइम में करना चाहिए, कितना टाइम में करना नहीं चाहिए, और हमेशा टैपिंग करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियो में दे चुका हूँ। तो देखिए, ये टैपर लोग है, न्यू टैपर है जो लोग टैपिंग सीख रहे हैं, लेकिन हमेशा क्या होता है कि हमेशा पेड़ को टैपिंग करने से पेड़ को मतलब ख़राब हो जाता है, इसलिए हमेशा टैपिंग करना नहीं चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। तो ये न्यू टैपर लोग हैं, फिलहाल टैपिंग सीख रहे हैं, लेकिन आप लोग जब भी टैपिंग करेंगे तो टैपिंग हमेशा अर्ली मॉर्निंग का करना चाहिए। सनलाइट होने के बाद टैपिंग नहीं करता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में ही टैपिंग का करके फिनिश करना चाहिए। तो ये देखिए, आप लोग सीट बहुत अच्छा सा सीट को मतलब वो हैंगिंग करके रखा है। ये सीट को इसलिए हैंगिंग करके रखा जाता है क्योंकि यहाँ से पानी को बाहर टोटली पानी को आउट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही इसको स्मोक हाउस में डाला जाता है। तो वहाँ का ये आपका बेम्बो ब्रिज से होकर रबर प्लांटेशन के ओर जाना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा जो खेती है ना, जो रबर एक बागान है जो खेती है, तो ये हमेशा बहुत बड़ा एरिया में होता है। तो वो हमें जाने के लिए रास्ता कुछ इस तरह से भी होता है। तो क्या होता है, पहाड़ों में ज़्यादातर इस तरह से रास्ता होता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, देखने के लिए बहुत अच्छा खूबसूरत सीनरी है। तो समर में इस तरह से सीनरी देखने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, वहाँ का जो रबर प्लांटेशन है, तो प्लांटेशन में ये लोग आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, वो लोग न्यू टैपर है, वो लोग टैपिंग सीखने के लिए आए हैं। लेकिन जब भी आप लोग रबर का जो टैपिंग सीखते हैं नया नया, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, हमेशा ख़राब पेड़ में ही मतलब ख़राब ट्री में ही आप लोगों को टैपिंग सीखना पड़ता है। तो क्या होता है कि ख़राब ट्री से टैपिंग करने से कुछ भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो
ट्री ऑलरेडी डैमेज है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब टैपिंग का जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके बाद हम लोग अच्छा ट्री में डायरेक्ट टैपिंग कर सकते हैं जो वहाँ से लेटेस्ट निकलता है। तो इस तरह से टैपिंग कर रहे हैं ये नया टैपर लोग हैं, ये लोग सीख रहे हैं। इन लोग लगभग 8 से 10 दिन में वो लोग कम्प्लीटली उन लोगों को टैपिंग करना आ जाएगा, लेकिन जिस मतलब जो लोग इंटरेस्टेड है उन लोगों को तो और ज़्यादा ही जल्दी आ जाएगा ऐसे 5-6 दिन में, लेकिन फिर भी 8 दिन या 10 दिन में उन लोगों का हाथ जो है टैपिंग करने का स्किल बहुत अच्छा से आ जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं टैपिंग जेबोंग से करते हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि टैपिंग जितना भी आजकल के डिजिटल के ज़माने में जो कुछ भी हथियार निकले, लेकिन जेबोंग से बेहतर टैपिंग के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमेशा टैपिंग जेबोंग से ही करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं विलेज में जाकर हमेशा रबड़ा प्लांटेशन जब देखती हूँ तो मैंने एक बात को नोटिस किया है कि लोग ऐसा करते हैं कि बिना मार्किंग से ही टैपिंग करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि बिना मार्किंग करने से भी दूध निकलता है, मतलब लेटेस्ट निकलता है, लेकिन जो पेड़ का जो इकोनॉमिकली जो मतलब क्या बोलता है जो लाइफ है ना, इकोनॉमिकली जो लाइफ है वो शॉर्ट हो जाता है। हाँ, ऐसे भी आपको अगर छाल को काटने से तो पेड़ से तो लेटेस्ट आ ही जाता है ना, लेकिन उसका एक प्रोसेस, अगर हम लोग उस प्रोसेस से चलेंगे ना तो हम लोगों के लिए ही बेनिफिट है। अगर आप लोग मतलब साइंटिफिक मेथड से आप लोग मार्किंग करके आप लोग टैपिंग करेंगे तो आपका इकोनॉमिकल लाइफ है वो बहुत लंबा हो जाएगा, और ट्री जो है वो ट्री भी प्रोटेक्शन में रहेगा, तो आप लोगों का फायदा ही फायदा है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, कभी भी बिना मार्किंग टैपिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग को जब ट्री लगाते हैं, ट्री को इतना बड़ा करते हैं, इतना बड़ा करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, अगर आप लोग जंगबाज में आप लोग बिना मार्किंग ही टैपिंग करते हैं, हाँ आप लोगों को लेटेस्ट थोड़ा बहुत मिलता है या फिर निकलता है, लेकिन जो इकोनॉमिकल लाइफ है जो रबर ट्री का, लेकिन ये बिल्कुल भी आप लोगों के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, हमेशा मार्किंग करके ही टैपिंग करना चाहिए। ये लोग आप देख सकते हैं कि नया टैपर लोग ने पहले ट्री को इस तरह से मार्किंग किया है। आप लोग देख पा रहे हैं ट्री को किस तरह से मार्किंग किया हुआ है, तो टेम्पलेट लेके वहाँ पर मार्किंग किया गया है। तो वहाँ पर उन लोग अभी टैपिंग सीखेंगे, क्योंकि मार्किंग करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है टैपिंग के लिए। बिना मार्किंग टैपिंग नहीं किया जा सकता है, मतलब किया जा सकता है लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं प्लांटेशन के बीचों बीच बहुत खूबसूरत सा जगह है, सीनरी है। तो ये देखिए आप लोग कितना अच्छा से ये टैपिंग सीख रहे हैं, देखिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।